हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनोवेशन। आज है 15 जुलाई 2019 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले एडिटोरियल से। आज का फर्स्ट एडिटोरियल है कर्नाटका कॉनंड्रम। यहाँ पर बात की जा रही है जो अभी पॉलिटिकल क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है कर्नाटका में, वहाँ पर जो रेजिग्नेशंस दिए गए हैं MLAs के द्वारा, 12-13 MLAs ने जो रिज़ाइन किया है, और उनके रेजिग्नेशन को डिसक्वालिफिकेशन का एक मैटर चेंज करने की जो कोशिश की जा रही है, जो एफर्ट्स हो रहे हैं उनके बारे में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीज़न आया था जिसके तहत पॉलिटिकल क्राइसिस जो भी कर्नाटका में है उसको, उसका स्टेटस को मेंटेन करने की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ के स्पीकर और गवर्नमेंट को ये ऑर्डर पास किया गया था कि जो भी स्टेटस को बना हुआ है, जो भी सिचुएशन बनी हुई है, वो वैसे ही मेंटेन की जाए, और जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस सुनवाई नहीं होगी, केस नहीं सुना जाएगा, कोई डिसीज़न लिया नहीं जाना चाहिए स्पीकर के द्वारा। तो स्पीकर को ये कन्वे किया गया था कि जो भी रेजिग्नेशन है उनको डिसक्वालिफिकेशन में कन्वर्ट ना किया जाए। हालांकि स्पीकर का ये एक पावर, स्पीकर की पावर कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर को देता है, जिसके तहत स्पीकर डिसाइड कर सकता है कि कोई रेजिग्नेशन जो भी किसी MLA के द्वारा दिया गया है वो कितना वैलिड है, और इसके अलावा डिसक्वालिफिकेशन जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ में होता है उसकी पावर भी स्पीकर के पास है कि किसी MLA को डिसक्वालिफिकेशन डिफेक्शन के थ्रू डिसक्वालीफाई किया जा सके। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न लिया गया था उसके अकॉर्डिंगली ये डिसीज़न सुप्रीम कोर्ट को लेना था, और उसके हिसाब से ही आगे जो भी पॉलिटिकल कंडीशन है उसको कंटिन्यू करना था। यहाँ पर ऑथर के द्वारा ये पॉइंट, इस पॉइंट पर फोकस किया गया है कि जो रेजिग्नेशन जिन रिबेल MLAs के द्वारा दिए गए हैं उनके रेजिग्नेशन को बेसिस मानकर उन MLAs को जो डिसक्वालीफाई करने का एफर्ट किया जा रहा है वो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं करता। और यहाँ पर दो चीज़ें अलग अलग हैं, एक तो है रेजिग्नेशन, दूसरा है डिसक्वालीफिकेशन। अगर कोई MLA रेजिग्नेशन देता है जो कि MLA का लीगल और मॉरल ऑब्लिगेशन है, लीगल और मॉरल राइट है कि MLA अपना रेजिग्नेशन किसी मैटर पे अगर वो एग्री नहीं करता है गवर्नमेंट से तो रेजिग्नेशन देना उसका हक है, लेकिन अगर रेजिग्नेशन दिया जाता है तो उससे उसको डिसक्वालिफिकेशन असेंबली से नहीं होता है। इसमें केवल करंट गवर्नमेंट से वो अपनी जो पावर, जो पोस्ट है उसको छोड़ देता है, लेकिन अगर कोई ऑल्टरनेट गवर्नमेंट बनती है और जिस पार्टी में अगर वो पार्टी को ज्वाइन करने जा रहा है उसमें वो अपनी मिनिस्ट्रियल पोस्ट ले सकता है, लेकिन अगर डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है किसी MLA को तो डिसक्वालिफिकेशन का मतलब है कि वो अपने असेंबली की सीट खो बैठता है, और अगर उसको दोबारा से असेंबली में आना है तो उसको चुनाव लड़के ही आना पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंट मैटर हैं इनको एक सिंगल मैटर में कन्वर्ट नहीं किया जाना चाहिए, और अगर कन्वर्ट किया जाएगा रेजिग्नेशन को एक डिसक्वालिफिकेशन का मैटर में तो ये मेंबर्स का जो राइट है अपनी सीट छोड़ने का या इस्तीफा देने का लेजिस्लेचर में, उन राइट का हनन होगा, उन राइट्स का वॉयलेशन होगा। डिसक्वालीफाइड जो मेंबर है वो मिनिस्टर तो नहीं बन सकता, इवन डिसक्वालीफाइड किसी भी इलेक्शन में जब तक दोबारा से वो इलेक्ट ना हो जाए वो दोबारा से मिनिस्टर नहीं बन सकता, लेकिन रेजिग्नेशन के बाद वो दोबारा मिनिस्टर बन सकता है अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। तो इनको, इन दोनों मैटर्स को सेपरेटली मिक्स किया जाना चाहिए। अगर किसी मैटर के, किसी MLA के रिगार्डिंग कोई डिसक्वालिफिकेशन का मैटर है तो पर्टिकुलरली उस MLA के लिए ही वो वर्डिक दिया जाना चाहिए। सारे MLAs या पूरे केस को उसमें कन्वर्ट करना ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्ट होगा, और स्पीकर को इस एक्ट से, ऐसे काम से बचना चाहिए। इसके अलावा जो स्पीकर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिली है कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे हमने अभी बात किया कि डिसक्वालिफिकेशन अगर करना हो तो डिफेक्शन के थ्रू डिसक्वालिफिकेशन करने की पावर स्पीकर के हाथ में है। हालांकि ये जो पावर दी गई है ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत भी आती है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि अगर स्पीकर ने किसी भी MLA को डिसक्वालीफाई किया
डिफेमेशन के केस में, तो उस एमएलए का केस कोर्ट के द्वारा भी सुना जा सकता है और कोर्ट एग्जामिन कर सकता है कि जो स्पीकर का डिसीजन था वो पॉलिटिकली बायस तो नहीं था। तो ये जुडिशियल रिव्यू का एक जो कंसेप्ट है, ये इसके अंतर्गत, इसके जुडिशियल स्क्रूटनी के अंतर्गत स्पीकर का ये एक्ट आता है। लेकिन स्पीकर की जो अदर पावर है, जैसे मनी बिल को फाइनल सर्टिफाई करना किसी बिल को कि वो मनी बिल है कि नहीं, ये भी स्पीकर का पावर है। तो स्पीकर को जो एडिशनल पावर दिए गए हैं उनका यूज़ करके स्पीकर असेंबली के स्पीकर्स के द्वारा काफ़ी बार पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन भी लिए गए हैं। इन आर्टिकल्स या इन प्रोविजंस का यूज़ पॉलिटिकल पर्पस के लिए भी काफ़ी बार किया गया है। अब जुडिशियल रिव्यू को अवॉइड करने के लिए कुछ स्टेट्स में, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, स्पीकर्स ने डिसक्वालिफिकेशन के मुद्दे को कई सालों तक पेंडिंग रखा है। और कहीं ना कहीं अगर लेजिस्लेटिव प्रोसेस जुडिशियरी के अंडर आती है, जो भी असेंबली का काम है या जो सरकार का काम है, मेन काम है, अगर वो जुडिशियरी के अंदर आता है तो लेजिस्लेचर को ये लगता है कि जुडिशियरी उसके काम में इंटरफेयर कर रही है। तो इस इंटरफेरेंस को हटाने के लिए कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट ने स्पीकर का जो एक्ट होता है, वो स्पीकर के जो पावर्स होते हैं उसको फुल्ली यूज़ नहीं किया है। जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में स्पीकर ने डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे को, एमएलएस के डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे पर को कई सालों तक पेंडिंग रखा है, उनमें कोई डिसीजन नहीं दिया। डिसीजन क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो डिसीजन जुडिशियल रिव्यू में आता है, कोर्ट के द्वारा एग्जामिन किया जा सकता है, इसलिए स्पीकर ने एक तरह से इनएक्टिविटी दिखाई इन कामों में। और ये एक पर्टिकुलर जो मुद्दा है, ये भी अभी सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में पेंडिंग केस है। तो इस केस में स्पीकर पे कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए या स्पीकर को किस तरह से आगे फॉरवर्ड करना चाहिए मैटर, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके डिसीजन पे डिपेंड करेगा। लेकिन स्पीकर का जो एक्ट है और संविधान ने जो स्पीकर को फंक्शन दिया है, वो सारे फंक्शन पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होने चाहिए और सारे फंक्शन फैक्ट बेस्ड होने चाहिए और लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने वाले ही फंक्शन होने चाहिए। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरफेरेंस भी नहीं होना चाहिए और स्पीकर को एक तरह से नॉन बायस तरीके से काम करना चाहिए। तो ये सारी जो सिचुएशन बनी हुई है कर्नाटका में, उसके बारे में स्पीकर के कुछ पावर को लेके ये आर्टिकल था। अब यहाँ पर अगले एडिटोरियल में बात की जा रही है वॉरलॉर्ड और वॉर क्राइम्स का। यहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो बहुत सारे जेनोसाइड्स और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा, पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, जो अफ्रीका के काफ़ी देशों में, अगर हम बात करें कॉन्गो में, सूडान में, नाइजीरिया में, काफ़ी कंट्रीज़ में लोगों को, एक पूरी एथनिक ट्राइब्स को, एथनिक ग्रुप को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, जस्ट बिकॉज की पॉलिटिकल पावर कैप्चर करना चाहते हैं वहाँ के कुछ नेता। और ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में यही सिचुएशन देखने को मिलती है। ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट हमेशा कहीं ना कहीं वॉर देखने को मिलती है। तो इन वॉर्स को और इन जो क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर एक कोर्ट के द्वारा, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, आईसीसी के द्वारा, अभी हाल ही में बॉस्को नटागांडा, जो कि कॉन्गो के एक पॉलिटिकल लीडर्स थे और जिन पे काफ़ी सारे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड्स के, वॉर क्राइम्स के आरोप लगाए गए थे, उनको क्रिमिनल घोषित किया गया है और अकॉर्डिंगली उनको कन्विक्ट किया गया है। तो ये जो है, ये करीब 13 वॉर क्राइम्स और 5 क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दोषी पाया गया था इनको आईसीसी के द्वारा। और 2002-2003 में जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, उनके उस कॉन्फ्लिक्ट का मेन कल्प्रिट इन्हें पाया गया है। और करीब 7 से 8 साल लगे हैं इनकी ट्रायल कंप्लीट होने में। तो ये राइटर के द्वारा एक अच्छा स्टेप बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर कहीं ना कहीं अंडर डेवलप्ड और बाकी देशों में अगर डोमेस्टिक जो लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, तो इसके बावजूद भी इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम लाइक आईसीसी, इस केस में जो आईसीसी की बात की जा रही है, अगर इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम अच्छे से काम करे, तो डोमेस्टिक लॉ ना होने के बावजूद भी अगर कोई बड़ा लीडर, बड़ी पर्सनैलिटी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या बहुत बड़े लेवल पर अपनी कंट्री में क्राइम करता है, तो वो बच नहीं सकता, उसको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी।
अब इसमें ये जो वर्डिक्ट आया है इसीलिए ये एक वेलकम स्टेप है। अगर किसी ने भी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम किया है या बहुत सारे लोगों को मारा है केवल इसलिए कि पावर या सत्ता हासिल की जाए, तो उसको सज़ा मिलेगी, उसको इस केस में भी सज़ा मिली है। लेकिन यहाँ पर एक और कंसर्न की बात क्या है, यहाँ पर एक जो इशू है वो उभर के सामने आ रहा है कि बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस ऐसे भी हैं जिसमें डोमेस्टिक कंट्रीज़ जिनके लीडर्स के ख़िलाफ़ केस लड़ा जा रहा है, केस चल रहा है आईसीसी में, उन डोमेस्टिक कंट्रीज़ के द्वारा उतना अच्छे से सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। और सपोर्ट किस तरह सपोर्ट करती हैं कोई गवर्नमेंट, जैसे कि लीडर के द्वारा किए गए कामों के प्रूफ देके, एविडेंस देके। अभी 2014 में आईसीसी ने एक केस, आईसीसी के करंट आईसीसी के द्वारा कीनिया के सिटिंग प्रेसिडेंट जो करंटली प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का केस चल रहा था, 2014 में ड्रॉप कर दिया गया ये केस, क्योंकि कीनिया की गवर्नमेंट ने कीनिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई सबूत प्रेजेंट नहीं किए जिसकी वजह से वो केस ड्रॉप करना पड़ा। ऐसा एग्जाम्पल बाकी कंट्रीज़ में भी मिलता है। DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के वाइस प्रेसिडेंट भी इसी तरह के केस में इन्वॉल्व थे, जिनको एक्विट कर दिया गया, जिनको छोड़ दिया गया 2016 में। और आइवरी कोस्ट जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है वहाँ के भी पूर्व प्रेसिडेंट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में इन्वॉल्व थे, वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व थे, जिनको छोड़ दिया गया क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्रूफ नहीं दिए गए। और जो बिना किसी प्रूफ के किसी को सज़ा नहीं दी सकती, किसी को सज़ा नहीं मिल सकती कोर्ट में। तो इसीलिए ये जो इंक्रीजिंग ट्रेंड चला आ रहा है कि एक ग्लोबल लेवल के जस्टिस सिस्टम को सपोर्ट ना करना डोमेस्टिक कंट्रीज़ के द्वारा, ये एक कंसर्न का टॉपिक है, कंसर्न का विषय है। इसमें ऐसा जो किया जा रहा है इन कंट्रीज़ के द्वारा उसका भी एक कारण है, उसका ये कारण है कि ये कंट्रीज समझती हैं कि ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं इनकी नॉर्मल थिंकिंग ग्लोबल लेवल को ये देखने के बाद बन गई है कि जो भी ICC के द्वारा सजा दी जा रही है वो केवल हम लोगों को दी जा रही है, अफ्रीकन कंट्रीज़ या अंडर डेवलप कंट्रीज़ को दी जा रही है, लेकिन जो बड़ी पावर हैं जैसे USA है, रसिया है, ये अगर कोई वॉर क्राइम्स करते हैं तो इन कंट्रीज़ को कोई घसीट के लाता नहीं है कोर्ट में। जैसे कि USA ने इराक पे हमला किया 2002 में, और ये इराक पे हमला करने के बाद उस पर बहुत सारे आरोप भी लगाए गए कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम्स, जेनोसाइड किया है USA ने इराक में, और इवन अफगानिस्तान में भी इन्वेड करने के बाद USA के द्वारा बहुत बड़े लेवल पर वॉर क्राइम किया गया, लेकिन USA के अगेंस्ट कोई वर्डिक्ट नहीं है और USA पे कार्रवाई नहीं की जा रही ICC के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। बट इन छोटी कंट्रीज़, छोटी स्मॉलर अफ्रीकन कंट्रीज़ के अगेंस्ट बार बार ऐसी कार्रवाई की कोशिश की जा रही है, ये कहीं ना कहीं अफ्रीकन कंट्रीज़ को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और वहाँ की उन कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की जा रही है बड़ी पावर के द्वारा वर्ल्ड की। तो इसी जो फ्रस्ट्रेशन है, ये एक तरह से एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, और जो अनविलिंगनेस है इन कंट्रीज़ की, इसी की वजह से ये कंट्रीज़ ICC के किसी रूलिंग या किसी एक्ट को सपोर्ट नहीं कर रही है। और अभी रिसेंटली बुरुंडी ने, जो कि अगेन एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, उसने ICC से क्विट कर लिया है, और इवन फिलीपींस भी क्विट कर चुका है इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए। तो ये जो कंट्रीज़ का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक नया उभर के आ रहा है इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम या ग्लोबल रूल बेस्ड कोई सिस्टम बनाया उसके अगेंस्ट में, तो ये एक कंसर्न का विषय है। और अगर इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो डोमेस्टिकली किस तरह, क्या क्या कानून पास किए जाते हैं डोमेस्टिकली, कैसी कंडीशन बनती है, और उनको डील करने के लिए इफ़ेक्टिव सिस्टम ना होने के एवज़ में जो वॉर क्राइम्स या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं ये कहीं ना कहीं अनहर्ड या इग्नोर करती है जाएंगे, और ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए या इवन वर्ल्ड में पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। अब इसमें 1998 में ICC का रोम स्टैच्यू के अंतर्गत आता है, एक तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रोम स्टैच्यूज के अंदर आता है जो अडॉप्ट किया गया था 1998 में, और इसका जो काम होता है ये सीरियस एट्रोसिटीज़ जो भी की जाती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, नेताओं के द्वारा किसी भी कंट्री में, उनको सज़ा दी जा सके अगर ऐसा कुछ क्राइम किया जाता है नेताओं के द्वारा, इसके लिए ये शुरू हुआ था। बट जो मेजर स्टेट्स हैं आजकल वो इसके ज्यूरिसडिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं और इसको मान नहीं रहे हैं, रिफ्यूज़ कर दे रहे हैं। ये
पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे ग्लोबल ऑर्डर के लिए एक बैड प्रेसिडेंस शो करता है। अब वो भी उस टाइम जब पूरा वर्ल्ड ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन का 75वीं एनिवर्सरी मना रहा है। ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन 1944 में एस्टेब्लिश किए गए थे, जिसके अंतर्गत आता है वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO। WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF, इन तीनों ने मिलकर पूरे वर्ल्ड में एक सिस्टम बनाने की कोशिश की है, ग्लोबल गवर्नेंस बनाने की कोशिश की है कि एक सिंगल टाइप के रूल पूरे वर्ल्ड लेवल पर हर कंट्री में रहें और एक ग्लोबल गवर्नेंस शुरू कर सकें। बट अगर ये जो अभी नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर कर सामने आ रहा है, अलग अलग कंट्रीज़ या मेजर स्टेट्स के द्वारा मना किया जा रहा है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो किया जा रहा है एक रूल बेस्ड ग्लोबल गवर्नेंस को, ये एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, जिसको टैकल करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है, लूमिंग चैलेंजेस टू इंडियाज स्टैंडिंग, इंडिया को आगे आने वाले कुछ सालों में किस तरह के जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इशूज़ फेस करने हैं, सॉल्व करने हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। ये आर्टिकल जो लिखने वाले हैं, राइटर हैं एम के नारायणन, ये फॉर्मर NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं और गवर्नर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। इनके द्वारा जियोपॉलिटिकल आर्टिकल लिखा गया। अब यहाँ पर ये राइटर बात कर रहे हैं कि जो 2019 में जनरल इलेक्शन के रिजल्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर चुन किया है, एक स्ट्रांग मैंडेट के साथ चुन किया है, उनके द्वारा 2019 में चुने जाने के इमीडिएटली बाद एक वर्ल्ड लीडर से जो इंटरेक्ट करने का जो प्रोग्राम है वो एक्टिवली स्टार्ट किया गया और काफ़ी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लीडर से इन्वॉल्व होके इंडिया के लिए, आगे फ्यूचर के लिए काफ़ी डिस्कशन हुआ है पिछले 2-3 महीने में। यहाँ पर G20 समिट जो हुई है ओसाका जापान में, उसके बाद वहाँ पर इंडिया की तरफ से एफर्ट्स किए गए हैं। जो ब्रिक्स की इनफॉर्मल समिट हुई है, ब्रिक्स समिट के साथ साथ जो इनफॉर्मल समिट्स हुई हैं अलग अलग वर्ल्ड के हेड ऑफ़ द स्टेट से, वहाँ पर काफ़ी बात की गई इंडिया के द्वारा। और जो बात की गई है इंडिया के द्वारा, जो मुद्दों डिस्कस किए गए हैं, वो मुद्दे हैं कि हम किस तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ग्लोबल लेवल पर ट्रेडिंग रूल्स तय करता है, ट्रेडिंग रूल्स बनाता है, एक वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड कैसे स्मूथली हो उसके बारे में बताता है, तो ऐसे WTO ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए और टेररिज्म को एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के थ्रू, एक सबके लिए टेररिज्म एक थ्रेट है, इसको और ज़्यादा अवेयर किया जाए लोगों के बारे में, तो इन दो मुद्दों पर स्ट्रांगली बात की गई ब्रिक्स की इनफॉर्मल समिट में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसके अलावा जो बाकी मुद्दे हैं उनमें है काउंटर टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में भी रसिया और चाइना से बात की गई। जापान, इंडिया, US की ट्राइलेटरल ग्रुपिंग एक बनी है, उसमें भी रूल बेस्ड ऑर्डर किस तरह से हम इंडो पैसिफिक रीजन में बना सकते हैं उसके बारे में बात हुई। तो काफ़ी मुद्दों पर डिस्कशन तो चल रहा है, बट यहाँ पर जो सिचुएशन है वो थोड़ा चेंज हो गई है। अभी जो हमारी पास्ट में जो सिचुएशन हुआ करती थी, जिसमें इंडिया एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग या एक मतलब सारे कंट्री से एक स्ट्रांगली डील करने वाले कंट्री मानी जाती थी, पास्ट में हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस भी थी, जो एडवांटेज अब नहीं रहने वाली है राइटर के अनुसार। अब यहाँ पर राइटर के द्वारा ये बताया जा रहा है कि देयर आर होस्ट ऑफ इशूज़, बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, जिनको अच्छे से देखने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने पास्ट में हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस, हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिसी था वो था नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट मतलब कि किसी भी ग्लोबल पावर से हमने टाई अप नहीं किया। उस समय दो ग्लोबल पावर थी, एक USA, दूसरा सोवियत यूनियन। इन दोनों का कोल्ड वॉर चल रहा था आपस में। कोल्ड वॉर का मतलब कि एक तरह से बिना लड़े ही अलग अलग स्फीयर में एक दूसरी कंट्रीज़ को नीचा दिखाना या एक दूसरी कंट्री को कम्पीट करना। तो USA और सोवियत यूनियन, जो आज की डेट में रसिया है, उसके द्वारा ये दोनों कोल्ड वॉर चल रही थी। इंडिया डिसाइडेड कि हमें किसी भी एक पावर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना है, हम नॉन अलाइनमेंट करेंगे। और इंडिया ने काफ़ी कंट्रीज़ के साथ नॉन अलाइनमेंट का एक इंडिया के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था ये मूवमेंट। बट थोड़े समय बाद जैसी कंडीशन बनी, वी मूव टू मल्टी अलाइनमेंट। हमने काफ़ी देशों के साथ, केवल दो पावर ब्लॉक्स के साथ ही नहीं, काफ़ी कंट्रीज़ के साथ हमने अलाइनमेंट शुरू कर दिया। बट ये जो रिलेशन है USA, हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशन जो हमें आज के टाइम में हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं USA से, जो बहुत ही इंटेंसिटी के साथ रिलेशनशिप बढ़ाना चाह रहे हैं USA से, ये कहीं ना कहीं रसिया के साथ हमारे रिलेशन
को रिस्क में डाल सकता है। और अगर रसिया और चाइना, चूँकि बहुत एक अच्छे ऑल वेदर फ्रेंड की तरह कंसीडर किए जाते हैं और आज के टाइम में बहुत अच्छे पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं, तो रसिया के साथ साथ चाइना के साथ भी हमारे रिलेशन डाउन साइड में जा सकते हैं। इसीलिए ये जो प्रेजेंट मूव है, प्रेजेंट एक्ट है, इसको समझ के इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो इस समय का अभी करंट का जियो पॉलिटिकल ऑर्डर चला आ रहा है, उसमें जो राइवलरी है कंट्रीज़ के बीच वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मिडिल ग्राउंड इन ग्लोबल पॉलिटिक्स वो ख़त्म हो गया है। आपको एक या दूसरे के साथ, एक के साथ अगर आप स्ट्रांगली खड़े होते हो तो कहीं ना कहीं दूसरे के साथ निगेटिव साइन बताएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखना है अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। यहाँ पर यूएस के साथ टाइप बहुत ज़्यादा ना बढ़ा, इतने ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए कि ये रसिया और चाइना को थ्रेट लगे अपने लिए, और दोनों मिलके एक तरह से इंडिया के लिए जितने फ़ायदेमंद रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में उसके विपरीत दिशा में इंडिया के रिलेशन ना जाए रसिया और चाइना से साथ। तो इंडिया को चाइना और रसिया के साथ भी उतना ही मेंटेन करके रखना चाहिए और यूएसए को भी इक्वली मेंटेन रखने की ज़रूरत है रिलेशनशिप को। यहाँ पे चाइना, यूएस और एशियन रियलिटीज़ अगर हम देखें तो क्या चीज़ें एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे चल रही हैं अभी। अभी है कि इंडिया को बहुत सारी अपनी पॉलिसी साउथ एशिया के लिए फोकस करनी है, और ऐसा कहा भी गया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा कि हम साउथ एशिया पर अभी ज़्यादा फोकस करेंगे। ये रीज़न जो है वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया रहा है और इस रीज़न में इंडिया की बहुत ही कम चलती है एक तरह से हम कहेंगे, क्योंकि इंडिया की जो से है जो पास्ट में थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अभी के टाइम में बिकॉज ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस की वजह से इंडिया की जो से है या इंडिया की जो बात है बहुत कम हो गई है साउथ एशिया में। अब ये अगर हम इंडिविजुअल कंट्रीज़ की बात करें, जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो अभी रिलेशन है वो ऑल टाइम लो पे चल रहा है, रिलेशन में बहुत ज़्यादा गर्माहट नहीं है, बहुत अच्छे से रिलेशन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरा हम देखें अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में इंडिया का तो कोई रोल नहीं है, जो कि बहुत ही इंडिया के लिए एक नेगेटिव बात है। इंडिया का एक अच्छा रोल इंडिया को प्ले करना चाहिए अफगानिस्तान में पीस स्टॉक को बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी के टाइम में इंडिया का कोई रोल नहीं है, क्योंकि अभी जो पीस स्टॉक अफगानिस्तान में चल रही है उसमें अफगान गवर्नमेंट, तालिबान, पाकिस्तान, यूएसए, रसिया, इवन चाइना भी इन्वॉल्व है, लेकिन इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। और इसमें फैक्टर इंडिया क्यों इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज इंडिया का हमेशा ये कहना है कि तालिबान से इंडिया बात नहीं करेगा, क्योंकि तालिबान एक वायलेंस को यूज़ करने वाली पार्टी है और जब तक तालिबान हथियार नहीं डालता तो इंडिया बात नहीं करेगा। लेकिन तालिबान ने आज तक तालिबान यूएसए के सामने नहीं झुका, तो इंडिया के इस डिमांड को उसने सिरे से नकार कर दिया है। वो पहले दिन से वायलेंस का साथ ले रहा है, आज भी वायलेंस का साथ ले रहा है, और यूएसए भी कहीं ना कहीं ये समझ गया है कि तालिबान से हथियार छुड़वाने का जो दम है वो यूएसए में भी नहीं है। यूएसए भी अफगानिस्तान में इन्वेट करके 10-15 साल रह के उसको समझ में आ गया है। इवन यूएसए ने अपनी बड़ी फोर्स विड्रॉ भी कर ली है अफगानिस्तान से, बिकॉज तालिबान वहाँ पर इतना स्ट्रांग है कि यूएसए की भी पूरी तरीके से नहीं चल पा रही है। तो कहीं ना कहीं यूएसए, रसिया भी ये समझ गए हैं कि तालिबान को इन्वॉल्व किए बिना हम अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते, इसलिए तालिबान को तो इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। अब वो वॉलेंस छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा है वो एक अलग मैटर है, लेकिन तालिबान को इन्वॉल्व करना चाहिए और उसको कन्विंस करके वायलेंस छोड़वाना चाहिए और वहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट स्टेब्लिश की जानी चाहिए। लेकिन इंडिया अपने एक रवैये की वजह से इन्वॉल्व नहीं हो पाया है, और इंडिया को चाहिए कि अफगानिस्तान में इंडिया अपना रोल बढ़ाए। अदरवाइज़ अगर बाहर की पावर यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो इंडिया का जो पावर अभी थोड़ा बहुत बचा है साउथ एशिया में वो भी कम हो जाएगा। अब ये तो हो गई अफगानिस्तान की बात, और अगर हम जाएं नेपाल और श्रीलंका में भी इंडिया का रोल कम हुआ है। नेपाल ऑलरेडी चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट साइन कर चुका है, चाइना से रेलवे भी कनेक्ट हो चुकी है, चाइना ने सी पोर्ट भी दे दिया है, जो कि पहले के टाइम में पास्ट में नेपाल केवल इंडिया के थ्रू ही अपना मटेरियल एक्सपोर्ट करता था कलकत्ता का सी पोर्ट से, लेकिन अब चाइना ने भी अपने काफ़ी सारे पोर्ट्स ओपन करने की बात की है नेपाल से। तो नेपाल से और इवन मिलिट्री एक्सरसाइज भी नेपाल कर रहा है चाइना के साथ। तो इंडिया से रिलेशन थोड़े से कम हुए हैं नेपाल के साथ भी, और श्रीलंका में भी चाइनीज़ प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि मालदीव्स में
नई गवर्नमेंट आने से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा है इंडिया मालदीव्स रिलेशन में, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया और भूटान ही ऐसी कंट्री हैं जो कि एक साथ हैं। चाइना की तरफ जो झुकाव है भूटान का वो नहीं है, वो चाइना और इंडिया के साथ ही कंप्लीटली एक ऑल वेदर फ्रेंड की तरह है। बट जो बाकी की साउथ एशिया की कंट्री है ये कहीं ना कहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। केवल इंडिया और भूटान ही इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं और पूरे रीजन में एक अलग थलग से दिख रहे हैं। इसमें राइटर का ये कहना है कि लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक हम लोग अगर आइसोलेटेड रहे पूरे सिनेरियो से, जो सिनेरियो पूरे साउथ एशिया में चल रहा है, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए जियोपॉलिटिकल लेवल पे और इकोनॉमिकल लेवल पे कि हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज से अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हुए तो, और इसको, इस चीज़ को एफर्ड करना फ्यूचर में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसीलिए यूएस और इंडिया के जो रिलेशंस हैं ये डीपनिंग करने के जो एफर्ट किए जा रहे हैं ये बहुत ही कैलिब्रेटेड होने चाहिए, बहुत ही मेजर करके किए जाने चाहिए, कॉशसली किए जाने चाहिए, सावधानी से किए जाने चाहिए, जिससे यूएस, हमारे रसिया और चाइना से जो रिलेशनशिप है वो ख़राब ना हो। अभी के टाइम में जो नया टाइप का कोल्ड वॉर चल रहा है कि अगर हमने यूएसए से रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर लिए तो यहाँ पर यूएसए और चाइना का जो फाइट चल रहा है इसमें चाइना पूरी तरीके से इंडिया को इग्नोर कर सकता है, क्योंकि यूएसए एक तरह से चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर सकता है और वर्ल्ड लेवल पर यूएसए चाइना में मिलिट्री फेज में, मिलिट्री के पर्सपेक्टिव में और इवन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में जो वॉर चल रही है, मिलिट्री में तो दोनों एक दूसरे को कम्पीट कर ही रहे हैं और अभी तो वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड वॉर भी चल रही है, तो यूएसए चाइना की राइवलरी एक तरह से बढ़ रही है, यूएसए रसिया की राइवलरी शुरू से है ही, और इवन यूएसए ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बढ़ ही रहा है, जैसे हमने 2 दिन पहले एडिटोरियल में डिस्कस किया था, वेस्ट एशिया में यूएसए और ईरान की जो राइवलरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, चैलेंजेस क्रिएट कर सकती है। तो इन तीनों राइवलरी में इंडिया भी एक पार्टी है और इसमें इंडिया को बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि इंडिया दोनों साइड की पार्टी के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहती है, बट यूएसए यहाँ पर एक ऐसी सिंगल पार्टी है जिसमें, जिससे इंडिया के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डीप होते जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को इरिटेट कर सकता है या दूसरी पार्टी को एक के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। इसीलिए यूएसए के द्वारा भी ये कोशिश की जा रही है कि इंडिया को और ज़्यादा इन्वॉल्व किए जाए अपने साथ। इसके लिए क्या किया, यूएसए ने हाल ही में एक एक्ट पास किया जिसके थ्रू एक नॉन नेटो एलाई स्टेटस इंडिया को दे दिया गया है, यानी कि नेटो का मेंबर ना होने के बावजूद इंडिया, इंडिया को एक अच्छी कैटेगरी के और हाई टेक्नोलॉजी के वेपन एक्सपोर्ट किए जाएंगे यूएसए के द्वारा और इंडिया यूएसए की रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रांग किया जाएगा। लेकिन जो ये स्टेटस है इंडिया के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इट कम्स विथ ए प्राइस, और ये प्राइस क्या है कि इट कैन रिस्क आर रिलेशनशिप विथ रसिया, हमारे रसिया के साथ रिलेशनशिप रिस्क कर सकते हैं ये, जो कि हमारा एक ऑल वेदर फ्रेंड रहा है और 1950s के बाद एक अच्छा डिफेंस पार्टनर भी रहा है इंडिया का। इसके साथ ही साथ ये इंडिया चाइना के जो रिलेशनशिप हैं इनको भी डाउनसाइड में धकेल सकते हैं। तो अभी यूएसए रसिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक तो यूएसए रसिया का अलग चल रहा है, यूएसए चाइना का अलग चल रहा है, इसमें यूएसए रसिया और चाइना का भी जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो इस एक्सिस का जो एक ट्राइंगल का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इंडिया को बैडली इफेक्ट कर सकता है। इसलिए इंडिया की जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए इन सारे सिनेरियो को कंसिडर करके जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसी ड्राफ्ट की जानी चाहिए। यहाँ पर हमने चाइना से अपने इनफॉर्मल समिट के थ्रू चीज़ें सुधारने की कोशिश की है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर ये एक नोन ट्रुथ है कि चाइना का रीजनल और ग्लोबल एस्पिरेशन है और जो सिचुएशन है चाइना की, चाइना वांट्स टू डोमिनेट एशियन रीजन, पूरे एशिया पर चाइना अपना डोमिनेट करना चाह रहा है और करीब एक डिकेड में चाइना एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर भी बन जाएगा। आज के डेट में इसकी मिलिट्री बहुत बड़ी है लेकिन एक दशक में इसकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत स्ट्रांग होने वाली है, नेक्स्ट ओनली टू यूएसए। और उस केस में अगर चाइना को ऐसा लगा कि इंडिया और यूएसए बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं और वो चाइना के लिए थ्रेट हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया चाइना रिलेशनशिप और इंडिया चाइना इंडियन ओशियन में और साउथ चाइना सी में चाइना एक्सप्लिसिटली यानी कि बहुत स्ट्रांगली अपने आप को डोमिनेट करने के लिए आ सकता है अपनी मिलिट्री पावर के साथ। तो यहाँ पर ये जो सारे सिनेरियो है इसको देखते हुए इंडिया को समझना चाहिए कि
किस तरह से चाइना को, जो कि हमारा नेबर है, उसको किस तरह से उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके चला जाए, और ये और कौन सी पॉलिसीज़ हमारे लिए बेनिफिट दे सकती हैं, कौन सी पॉलिसीज़ हमारे लिए थ्रेट हो सकती हैं, उनके सिनेरियो को समझ के ही कैलिब्रेटेड मूव करना चाहिए। यहाँ पर इंडिया के द्वारा अभी काफ़ी स्टेट ऑफ आर्ट मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज करने की बात की जा रही है, और परचेज भी कंटिन्यूसली किए जा रहे हैं, लेकिन केवल मिलिट्री पावर मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज करना ही कॉन्फ्लिक्ट को रोकता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट के अभी आजकल के दौर में, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा तरीके हैं, और इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट जो तरीका है वो है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, जिसकी बात की जा रही है। केवल वॉर इंसर्जेंसी और जो टेरर अटैक्स होते थे किसी कंट्रीज़ के खिलाफ लड़ाई करने के, तो वो तरीके अब पुराने हो गए हैं। अब जो नए वॉर के तरीके हैं वो हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, साइबर वॉर। तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है किसी भी नेशन के लिए, अगर दूसरे उसके ऑपोजिट नेशन के बाद बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और स्ट्रांग डोमिनेंट पावर है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में। और 21वीं और 22वीं सदी में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी ही वॉर के मेन एस्पेक्ट समझे जा सकते हैं। यहाँ पर इंडिया को किस तरह से अपनी करंट जो भी कमियाँ हैं उसको कंट्रोल करते हुए डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में अपना एक्सपर्टाइज बढ़ाना है, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी ड्राफ्ट की जानी चाहिए। अभी आज के टाइम में US, चाइना, रसिया और इसराइल ये डोमिनेंट प्लेयर हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में और साइबर स्पेस में, तो उनके साथ इस तरह का टाइप होना चाहिए कि हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट क्रिएट कर सकें, साइबर स्पेस में अपनी एक अलग से एक डोमिनेंट पावर बना सकें, ताकि आने वाले टाइम में हमें इस फील्ड में अगर कोई वॉर की कंडीशन बनती है तो हम प्रॉपरली मेंटेन कर सकते, टैकल कर सकें। इसी लिए न्यू पॉलिसीज़ पैरामीटर जो भी हैं, नए पॉलिसीज़ के जो भी फोकस पॉइंट्स हैं वो अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट किए जाने चाहिए, और जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और साइबर मेथोडोलॉजी, उनका यूज़ करते हुए हमें डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी और साइबर स्पेस में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमी का। अभी जो इकोनॉमी की कंडीशन चल रही है डिस्पाइट ऑफ ऑफिशियल स्टेटमेंट, वो बहुत अच्छी ठीक नहीं है। एक तरफ तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं 2024-25 तक, लेकिन एक्चुअल ग्रास रूट लेवल पर जो कंडीशन है इकोनॉमी की वो डिक्लाइनिंग कंडीशन दिख रही है, वो घटती हुई कंडीशन दिख रही है। जॉब्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, और जो सस्टेनेबल एक ग्रोथ मेंटेन करने की बात है 8 से 9% पर, वो होगी कि नहीं होगी ये बहुत बड़ा डाउट के रूप में सामने आ रहा है। तो इसलिए अगर इंडिया को एक स्ट्रांग इमर्जिंग पावर बनना है तो इंडिया का जो बेस है इकोनॉमिक फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, और उसी स्ट्रांग फाउंडेशन अगर होगी तो तभी हम एक पावर स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं टू बिकम ए एमर्जिंग पावर। इसीलिए इकोनॉमी पे भी इक्वली फोकस जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, और इक्वली रिफॉर्म लिए जाने चाहिए सो दैट वी कैन इमर्ज ए बिग पावर इन एशियन रीजन एज वेल एज इन ग्लोबल रीजन। तो ये आर्टिकल जियोपॉलिटिकल इकोनॉमी को लेकर एक किस तरह से पॉलिसी ड्राफ्ट होनी चाहिए उसके बारे में था। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी और साइबर स्पेस पे हमारा फोकस बढ़ना चाहिए, और उसमें एक्सपर्टाइज हासिल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, इसके बारे में अच्छा आर्टिकल था। अब नेक्स्ट आर्टिकल है इकोलॉजिकल पैरल्स ऑफ डिस्काउंटिंग द फ्यूचर, किस तरह से पॉलिसी मेकर्स बेस्ट इको मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, और वो इनके इस रुख की वजह से सिटीज़ को झेलना पड़ रहा है नेचर का या क्लाइमेट चेंज की मार, इसीलिए किस तरह से किया जा कदम उठाए जाने चाहिए उसके बारे में यह आर्टिकल बताया जा रहा है। यहाँ पर कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई थी लास्ट ईयर, जिसमें यह बताया गया था कि 2015 में जो फ्लड आई थी चेन्नई में वो मैन मेड फ्लड थी, मैन मेड डिज़ास्टर था, इट वॉज़ नॉट नेचुरल डिज़ास्टर, वो नेचर का डिज़ास्टर नहीं था, वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया ही डिज़ास्टर था, कैग की रिपोर्ट ऐसा बोलता है। और ये रिपोर्ट ये बताती है कि किस तरह से लेक्स और रिवर फ्लड प्लेन में एनक्रोचमेंट किया गया है ह्यूमन के द्वारा, और उस एनक्रोचमेंट की वजह से चेन्नई जो कि 6th लार्जेस्ट सिटी इंडिया की मानी जाती है, किस तरह से चेन्नई की कंडीशन फ्लड में हो गई थी। अब चेन्नई फ्लड जो है ये वो जीता जागता सबूत है कि ह्यूमन फेलियर, किस तरह से हम लोगों ने अर्बन पुअर गवर्नेंस डिज़ाइन करके और अर्बन मिस गवर्नेंस
करके एक अर्बन सेंटर को इतना ज़्यादा वल्नरेबल बना दिया है कि एक टाइम तो वहाँ पर फ्लड आ जाती है और दूसरे टाइम ड्रॉट हो जाता है, जो कि आज के कंडीशन ड्रॉट की बनी हुई है, वाटर स्कैसिटी की कंडीशन बनी हुई है। तो इसमें दिक्कत या चैलेंजेस क्या हैं कि नॉर्मल जनता के लिए अगर कोई ट्रैफिक कंजेशन होता है या कोई क्राइम होता है तो वो एक इल के रूप में लोग देखते हैं, या तो ट्रैफिक कंजेशन या क्राइम तो लोगों को देखता है तो उनको लगता है कि ये गलत काम है। लेकिन अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है तो ज़्यादातर लोग उसको नॉर्मल लाइफ में इग्नोर कर देते हैं, या लोगों को इतना अवेयरनेस ही नहीं है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कितना घातक साबित हो सकता है। इसी की वजह से इग्नोर करते करते आज की डेट में ऐसी कंडीशन बन गई है कि नेचर का जो उस पर रिएक्शन होता है, इस इग्नोरेंस की वजह से नेचर का जो रिप्लाई है या रिस्पॉन्स है या एक तरह से बदला है नेचर का, वो कई गुना ज़्यादा निकल के सामने आता है। और यही जो नेचर का रिस्पॉन्स है वो कभी हैवी रेनफॉल के रूप में दिखता है जिसकी वजह से फ्लड आ जाती है, या कभी वाटर स्कैर्सिटी के रूप में दिखता है, ग्राउंड लेवल वाटर, ग्राउंड वाटर का कमी के रूप में दिखता है। और यही हुआ है हाल ही में चेन्नई में, जिसमें करीब 30 वाटर बॉडीज़ पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई हैं, और जो कॉन्क्रीटाइजेशन, कॉन्क्रीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसके कारण जो रेनफॉल है उसका वाटर परकुलेट नहीं हो पाता, ज़मीन में अंदर नहीं जा पाता। इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल, वो और ज़्यादा नीचे जाता जा रहा है और इतने नीचे चला गया है कि उसको रिटर्न कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। अब अर्बनाइजेशन जो किया गया है इंडियन सिटीज़ में, ये तो वर्ल्ड का एक फिनोमेना है, लेकिन इंडियन सिटीज़ में जो मेनली अर्बनाइजेशन अडॉप्ट किया गया है, उस मॉडल के अकॉर्डिंगली कोई स्पेशल विज़न के साथ ये अर्बनाइजेशन प्रोसेस नहीं अडॉप्ट की गई है। अर्बनाइजेशन एट द कॉस्ट ऑफ रिक्लेमिंग वाटर बॉडीज़, ये पैन इंडिया प्रॉब्लम है। हमने वाटर बॉडी में या जो रिवर के फ्लड प्लेन है वहाँ पर कंक्रीट बना के वहाँ पर घर बना दिए हैं, वहाँ पर ऑफिस बना दिए हैं, वहाँ पर ह्यूमन स्ट्रक्चर बना दिए हैं, जिसकी वजह से जो नेचुरल कैपेसिटी है, नेचर की कैपेसिटी है, वो बहुत कम हो गई है वाटर क्राइसिस को मैनेज करने की। अगर हम एग्जांपल लें, एक रीसेंट एग्जांपल है चेन्नई, इसके अलावा बेंगलोर, हैदराबाद को भी कंसीडर किया जा सकता है, जो ऑलमोस्ट सेम रास्ते पे जा रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पे हम केप टाउन की बात कर सकते हैं, जैसा हमने कुछ दिनों पहले देखा था एडिटोरियल में, केप टाउन में भी ये प्रॉब्लम हुई थी। इवन मेक्सिको सिटी भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रही है। बेंगलोर में तो 15 लेक ऑलमोस्ट अपने इकोलॉजिकल कैरेक्टर को खो चुकी है, क्योंकि लेक्स को भर के वहाँ पर ह्यूमन स्ट्रक्चर बना दिए गए। इवन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस भी लेक को भर के लिए बनाया गया, भर के बना गया, मतलब कि जिस बॉडी का काम होता है कि ऐसे काम होने से रोकना, नेचुरल जो पॉल्यूशन है, नेचुरल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना, तो ऐसी बॉडी का ऑफिस भी लेक को भर के जो जगह बनाई गई है उसी जगह पर बनाया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो सिटी की लोकल गवर्नमेंट है उसकी इग्नोरेंस और उसकी लैक ऑफ विल पावर बताता है इन इकोलॉजिकल मुद्दों के प्रति। अब मेक्सिको सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11वीं और 12वीं सदी में बहुत सारी लेक्स का एक नेटवर्क बनाया गया था, लेकिन अभी के टाइम में इन नेटवर्क्स को ख़त्म करके अर्बनाइजेशन किया जा रहा है। इसी तरह तेलंगाना में हम बात करें तो तेलंगाना में टैंक और लेक बहुत बड़े लेवल पर बिल्ट की गई थी काकाटिया डायनेस्टी के द्वारा। काकाटिया डायनेस्टी तेलंगाना की सदियों पहले की डायनेस्टी है, जिन्होंने एक अच्छा नेटवर्क बनाया था टैंक और लेक्स का। टैंक के द्वारा तेलंगाना रीजन में इरिगेशन किया जाता है, क्योंकि तेलंगाना का जो टोपोग्राफी है और जो रेनफॉल पैटर्न है वो इसी तरह का, तेलंगाना में रेनफॉल कम होती है और टोपोग्राफी बहुत हार्ड है, सॉइल बहुत हार्ड है, तो यहाँ पर कैनाल इरिगेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए टैंक बना के वाटर को स्टोरेज किया जाता है ट्रेडिशनल टाइम से, शुरू से ही, और इसी तरह से वहाँ पर इरिगेशन एग्रीकल्चर को सस्टेन किया जाता है। लेकिन हाल इस समय के टाइम में टैंक्स और लेक्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है फॉर अर्बनाइजेशन, और वहाँ पर ह्यूमन स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। और ये जो डिस्टर्बेंस है ये हैदराबाद और उसके आसपास के रीजन, इवन तेलंगाना स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है, इन द सेम वे एज चेन्नई इज़ फेसिंग। तो इसीलिए इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ट्रेडिशनल वे ऑफ कंजर्विंग वाटर को अडॉप्ट किया जाना चाहिए,
और इसमें तेलंगाना ने कुछ कदम उठाए भी हैं। राइटर के द्वारा ये बताया जा रहा है कि एक मैसिव ड्राइव शुरू की गई है पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा यहाँ पर मिशन काकाटिया। मिशन काकाटिया क्या है, ये तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है और ये जो स्टार्ट किया गया है ये मिशन का जो काम रहेगा ये रहेगा कि रिस्टोर किया जाए इरिगेशन टैंक्स को और जो वहाँ की लेक्स हैं और माइनर इरिगेशन जो सोर्सेज हैं इनको वापस अपने पुराने टाइम की ग्लोरी में लाया जाए और वापस कंजर्व किया जाए। और ये मिशन काकाटिया उसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि काकाटिया डायनेस्टी के द्वारा ही ये टैंक और लेक के नेटवर्क बनाए गए थे, इसलिए मिशन काकाटिया कहा गया है इसको। ये एक तरह से इंटरजेनरेशनल जस्टिस देने के लिए भी है क्योंकि अगर हम आज ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो इसका फ़ायदा हमारी फ्यूचर जनरेशन को मिलने वाला है। तो फ्यूचर जनरेशन का जो राइट है एक स्वच्छ पानी पीने का, वो राइट मेंटेन होगा और ये इंटरजेनरेशनल जस्टिस का काम करेगा मिशन काकाटिया। इसी तरह हैदराबाद भी एक सस्टेनेबल हाइड्रोलिक मॉडल अडॉप्ट कर रहा है और उसके थ्रू अलग अलग 6 टाइप के सोर्सेज के थ्रू वाटर को कंजर्व किया जाएगा ताकि जो भी अंडर डेवलप्ड एरिया हो, इवन जो स्टेट के सबसे पिछड़े हुए जगह हैं उनको भी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ वाटर मिल सके, एक पीने का पानी मिनिमम मिल सके और चेन्नई जैसी कंडीशन को, चेन्नई जैसी वाटर स्कैर्सिटी की कंडीशन को अवॉइड किया जा सके। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज किया गया राइटर के द्वारा कि ये जो मिशन अडॉप्ट किए जा रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं इंडियन सिटीज़ से या इवन वर्ल्ड की सिटीज़ से, इनसे हम एग्ज़ाम्पल अडॉप्ट क्यों नहीं करते, बाकी सिटीज़ इनसे एग्ज़ाम्पल अडॉप्ट क्यों नहीं कर रही है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। जैसे कि मेक्सिको सिटी ने एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका निकाला है कि एक रेजिलियंस ऑफिसर की पोस्ट क्रिएट की है जिसका काम यही होता है कि जो भी सिंकिंग अर्बन स्प्रॉल्स हैं उनको सेव किया जाए, जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको सेव किया जाए, रेजिलियंस ऑफिसर का एक पोस्ट नया निकाल के। ये एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है जिसको यूज़ किया जा सकता है आंसर राइटिंग में भी, ये एक अच्छा कदम है। दूसरा, बेंगलोर के द्वारा क्या कदम उठाया गया है कि कुंडाला हल्ली लेक, बेंगलोर में एक लेक है जो एक कुछ समय पहले एक लैंडफिल साइट हुआ करती थी जहाँ पर कूड़ा करकट भरा जाता था, उस लेक को दोबारा से रिक्लेम किया गया, दोबारा से रिव्यू मेंटेन किया गया और वहाँ पर प्रॉपरली एक लेक बना ली गई। और इसके लिए पैसा कहाँ से आया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में CSR सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से पैसा निकाला गया PPP मॉडल के थ्रू और उससे वो लेक दोबारा से बनाई गई। हैदराबाद और तेलंगाना में के बहुत बड़े पार्ट में जो रेजिलियंस किया जा रहा है ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल और एक वेल डिज़ाइंड पॉलिसीज़ का एक एग्जांपल दिखाता है। जैसे कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम और मिशन जो तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है वो भी वाटर बॉडीज़ को रिस्टोर करने का काम कर रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये एक दूसरे को, ये सिटीज़ को एक दूसरे से सीखना चाहिए, समझना चाहिए और अडॉप्ट करना चाहिए। बट अर्बन सेंटर जो सिटीज़ हैं वो एक दूसरे से ये सीख नहीं रही हैं अपने प्लान बनाने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो सीख क्यों नहीं रही हैं, क्योंकि इसका आंसर ये दिया गया क्योंकि पॉलिसी मेकर कहीं ना कहीं अभी की करंट की सिचुएशन को देख के पॉलिसी बना रहे हैं और उसी के हिसाब से आगे चल रहे हैं। दे आर नॉट कंसिडरिंग द चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर, वो फ्यूचर के चैलेंजेस को नहीं समझ रहे हैं और फ्यूचर के लिए पॉलिसीज नहीं बना रहे हैं, वो केवल एक शॉर्ट साइट व्यू लेके आज के प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये एक गलत तरीका है, फ्यूचर की प्रॉब्लम को टारगेट करके एक लॉन्ग टर्म विज़न के साथ ही पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। अगर हम 2050 तक का विज़न रखें तो अगले आने वाले 30 सालों में भारत की आधी जनता सिटीज़ में ही रहेगी, अर्बनाइजेशन बढ़ने वाला है और जब अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो अर्बन चैलेंजेस भी बढ़ेंगे और पानी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ड्राउट, फ्लड और अर्थक्वेक, इवन फ्रेश वाटर के लिए, जो पानी के लिए लड़ाइयाँ हो सकती हैं अगर हमने वाटर को कंजर्व करने के अच्छी प्रैक्टिसेस आज की डेट में अडॉप्ट नहीं की तो हमारी आधी पॉपुलेशन यानी कि अर्बन एरियाज 2050 तक 20-30 साल के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करने वाले हैं और इस चैलेंज को हम आज शुरू करें तो उस चैलेंज को कम कर सकते हैं। और अगर हम आज भी नहीं जगे तो नेचर का जो कॉन्सिक्वेंस है, जो नेचर दिखाएगा हमें 20-30 साल के बाद, वो ह्यूमैनिटी को फेस करना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तो किस तरह से वाटर कंजर्वेशन या इको मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, वाटर कंजर्विंग प्रैक्टिसेस जो बेस्ट हैं उनको अडॉप्ट किया जाना चाहिए और
ये ही एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है वाटर स्कैसिटी को दूर करने के लिए, ये बताया गया है यहाँ पर। इसमें एक अच्छा आर्टिकल दिया गया है, एक जो हाल ही में रिलीज़ हुई थी मूवी आर्टिकल 15, उसके बारे में यहाँ पर एक मूवीज़ के द्वारा किस तरह के मुद्दे उठाए जाने चाहिए सोसाइटी में और किस तरह से प्रेजेंट किए जाने चाहिए उसके बारे में बताया गया है कि वेल ये जो आर्टिकल 15 है ये एक अच्छी मुद्दे को लेकर एक मूवी जो बनाई गई है, ये नॉर्मल जो बॉलीवुड का ट्रेंड रहा है उससे कोई हट उसके थोड़ा हटके है और ये एक वेलकम चेंज माना जा रहा है राइटर के द्वारा। यहाँ पर जो नॉर्मल ट्रेंड है बॉलीवुड का वो नॉर्मली पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो भी अभी तक मूवी बनाई गई है टारगेट करके वो सोसाइटी के ऑलमोस्ट सारे मुद्दों को कवर करते हैं और 1970s, 1980s, 1990s और अभी तक जो भी मूवी बनाई जा रही थी वो ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स को कंसीडर किया गया है मूवी में, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोशल इश्यूज हैं उनको नेगलेक्ट कर दिया गया है और सोशल इंजस्टिस या स्पेशल हम देखें स्पेसिफिकली कास्ट बेस्ड इंजस्टिस को निगलेक्टेड है मूवीज़ में। बहुत ज़्यादा मूवी इस पर नहीं बनी है, इसलिए ये जो करंट मूवी आई है ये एक वेलकम चेंज माना जा रहा है। इसमें इस मूवी में जो मुद्दे जिन मुद्दों को टच किया गया है वो ऑलमोस्ट डेली लाइफ में देखने को मिलता है, चाहे हम कास्ट बेस्ड क्राइम की बात करें, अनटचेबिलिटी की बात करें या सोशल बहिष्कार की बात करें, ये सारे मुद्दे इंडिया में कॉमन लाइफ में डे टू डे लाइफ में देखे जाते हैं, लेकिन इन पे बहुत बड़े लेवल पे कोई चर्चा होना या लोगों में अवेयरनेस होना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है और इस एक्चुअली क्या दिक्कत है वो सही तरीके से दिखाया नहीं जाता, लोगों को समझ नहीं होती है। तो मूवी के थ्रू ये दिखाना एक तरह से अवेयरनेस और डिबेट भी क्रिएट करता है सोसाइटी में और इससे एक सोसाइटी को किस तरह आगे जाना है, किस तरह का चेंज लाना है उसके लिए भी मोटिवेट करता है। और मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा अगर किसी कास्ट बेस्ड ऑपरेशन को अगर एक्सपोज करेगी तो उसको सॉल्व करने के लिए भी डिबेट इसी तरह के मूवीज़ या टीवी सीरियल से शुरू किए जा सकते हैं। यहाँ पर इंडियन सिनेमा का ये जो थोड़ा सा सोशल कंटेंट है वो कंटेंट आगे भी बढ़ना ही चाहिए और ऐसा जो चेंज आया है इसको इस चेंज को आगे और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन सिनेमा का जो मास रीच है लोगों तक जो पहुंच है बहुत ज़्यादा है, उस पहुंच के बाद जो इम्पैक्ट है वो उससे भी ज़्यादा है, तो उस इम्पैक्ट का एक पॉजिटिव सेंस में कंट्री के लिए यूज़ किया जाना चाहिए और इस तरह की सोशल कंटेंट और सोशल अवेयरनेस के साथ मूवीज़ बनाई जानी चाहिए। ये ऑब्लिगेशन हिंदी सिनेमा और स्पेशली बॉलीवुड को समझना चाहिए। ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ये मालूम सबको है लेकिन नॉर्मल लाइफ में लोग कहीं ना कहीं इग्नोर कर जाते हैं या लोगों के बारे में इतना टाइम ही नहीं होता कि इन चीज़ों के बारे में पढ़ें और समझें। तो जब भी कोई मूवी अगर इस ऐसे कंटेंट को लेकर आती है तो एक ये नया विगर भर देती है स्क्रीन के माध्यम से लोगों में, और ताकि एक जो सोसाइटी का इल है, जो सोसाइटी के लिए चैलेंज है या प्रॉब्लम है उसको लोगों को अच्छे से समझाया जा सके, लोगों में अवेयरनेस बढ़े और यही चीज़ डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने का भी काम करती है। तो ये एक अच्छी मूवी है एक सोशल मुद्दे को लेकर, इसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। तो ये थे आज के आर्टिकल्स एडिटोरियल एनालिसिस, आई होप कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।